तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उस लड़के को होश आ जाता है, और होश आने के बाद वो फौरन से अपना डैगर निकाल करके वो हाउजन के गर्दन पर रख देती है। और इसे देखने के बाद हाउजन उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद वो लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन उसका पैर जख्मी हो गया था इसीलिए वो फिर से गिर जाती है नीचे और वो चल भी नहीं पा रही थी। और हाउजन लड़के को देखता है कि वो काफी ज्यादा परेशान है पर वो बोल भी नहीं पा रही, जिसके बाद वो लड़की हाउचन के हाथ में लिख करके उसे बताती है कि मैं बोल नहीं सकती, और वो लिख कर ये भी बताती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जिसके बाद हाउचन कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा क्योंकि मैं तो अब प्रमोट भी हो चुका हूँ। और उसी वक्त उसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है, और उसे देखने के बाद हाउचन भी डर जाता है। और इसके बाद और भी बीस्ट आ जाते हैं, और यह देखने के बाद फिर वो उस लड़के को अपनी गोद में उठाता है और भागने लगता है। और भागते भागते वो बीस्ट भी इसके काफी नजदीक तक पहुंच जाते हैं, और तभी एक बीस्ट ऊपर से छलांग लगा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हाउचेन अपने आप को और उस लड़के को बचा लेता है उस बीस्ट से। और तभी भागते भागते अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर टकराता है, जिसके बाद वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लड़के को संभाल लेता है और उसे चोट आने नहीं देता। और उसी वक्त एक बीस्ट उन पर हमला कर देता है, लेकिन हाउचेन उस लड़के को लेकर वहां से उसे डॉच कर लेता है। और फिर हाउचन उस लड़के को वहीं रखकर अपना तलवार उठा करके उन बीस्ट से फाइट करने लगता है, लेकिन बीस्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे और इसीलिए हाउचन उनसे हार रहा था। एक बीस्ट उसे एक पंच मार देता है, हाउचन उस लड़के के ऊपर ही आकर के गिर जाता है। इसके बाद हाउचन उसे देखकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद फिर से हाउचन बीस्ट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और वो ये समझ चुका था कि इन बीस्ट की पावर इनके पंजों और इनके दांतों में है, और इसीलिए इस बार हाउचेन उसके पेट पर एक लात मारता है और दूसरी बार उसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन इसके बाद वो बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हाउचेन पर काफ़ी ही बुरी तरीके से हमला कर देता है, और तभी बीस्ट उस लड़की के ऊपर भी हमला करने लगते हैं, लेकिन हाउचेन उसके सामने जा करके उस बीस्ट को मारकर दूर हटा देता है। और एक बीस्ट फिर से आकर के उस पर अटैक कर देता है, और उस अटैक को हाउचेन नहीं रोक पाता, जिसके बाद वो खुद लुढ़कते हुए दूर गिर जाता है। इसके बाद फिर से एक बीस्ट उस लड़के के ऊपर जाने वाला था, लेकिन हाउचेन आकर के फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उस बीस्ट पर अपनी तलवार से हमला करने वाला था, और उसी वक्त एक दूसरा बीस्ट पीछे से आकर के उस पर हमला कर देता है। उसके बाद वो बीस्ट हाउचेन के गर्दन पकड़ लेता है और उसे हवा में उड़ा करके लगातार हवा में ही दो बार लात मारता है। तो उसके बाद हाउचेन बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। और उसे देखने के बाद फिर लड़की भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो बीस्ट फिर से उस लड़की के ऊपर जाने वाले थे, और तभी हाउचन फिर से खड़ा हो जाता है और पीछे से उस बीस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो बीस्ट बच जाता है और फिर से हाउचन पर हमला कर देते हैं। लेकिन बीस्ट इसके बाद भी नहीं रुकते, उस पर लगातार और भी हमला किए जा रहे थे, और इस बार बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं सभी मिल करके। और इसे देखने के बाद एक बार फिर वो लड़की फिर से परेशान हो जाती है। हम देखते हैं कि अब हाउचन की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हाउचन फिर भी हार नहीं मानता। वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उठा लेता है और फिर से उन पर अटैक कर देता है। और ये देखने के बाद एक बार फिर से वो बीस्ट उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे फिर से हवा में उठा देता है। इसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि मुझसे मुकाबला करना है तो पहले बड़ा तो हो जा, लेकिन फिर से हाउचन उस बीस्ट के गर्दन पर अपनी तलवार घुसा देता है और इस बार उस एक बीस्ट को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचन उस लड़की के पास आ जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं इन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, जिसके बाद तुम पीछे टेंपल में चले जाना जहाँ पर हमारे मास्टर हैं, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वो लड़की हाउचन को यूं अकेले छोड़ करके नहीं जाना चाहती थी, और इसीलिए वो लड़की जख्मी होने के बावजूद वो हाउचन का साथ देने के लिए वहीं पर रुकती है। उसके बाद सभी बीस्ट मिलकर के फिर से उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, और इस बार वो लड़की अपने फास्ट स्पीड से उन सभी बीस्ट को मारने लगती है। और यहाँ पर हाउचन भी उन बीस्ट पर हमला कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हाउचन उन पर कमज़ोर पड़ जाता है। वो बीस्ट हाउचन पर हमला कर देते हैं और उसे फिर से नीचे गिरा देते हैं। और इसे देखने के बाद वो लड़की हेल्प करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन दूसरा बीस्ट उस पर हमला करके उसे रोक देता है, और वो बीस्ट उस लड़के पर अटैक कर देता है। और तभी उस लड़की को एक फ्लैशबैक आता है, और उस फ्लैशबैक में हमें देखने को यह मिलता है कि उसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो, बल्कि तुम एक पुनर्जन्म महात्मा हो, और इसलिए न तुम्हारा कोई दोस्त होगा
और ना ही तुम्हारे पास कोई आज़ादी होगी, और इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंसेस काम करना बंद कर देंगे। पर इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें इन सभी का सेक्रीफाइस करना होगा, और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। यहाँ पर हाउ चेन जब उन बीस्ट को मार ही रहा होता है, तभी कोई पावर आती है और उन सभी बीस्ट को एक एक करके मार देती है। और इन्हें मारने वाला कोई मिस्टीरियस नकाबपोश इंसान था, और वो नकाबपोश इंसान आकर के उस लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके बाद वो नकाबपोश इंसान इनके सामने आता है और कहता है, उस लड़की से कहता है कि चलो अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। लेकिन उसे देख करके वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। उसके बाद हाउ चैन ये सुन करके कहता है कि ये लड़की तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती, और ये सुनने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी उसे बेहोश कर देता है। और ये देखने के बाद वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद वो नकाबपोश कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो उसकी इंजरीज को अपने पावर से हील कर देता है, और उस लड़के को देखते हुए कहता है कि इस लड़के के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, और इसके अलावा इसके हड्डियाँ और पसलियाँ टूट चुकी हैं। ये सुनने के बाद वह लड़की उस मिस्टीरियस आदमी के पास जाती है और कहने लगती है कि प्लीज़ आप इसकी जान बचा लीजिए। इसके बाद नकाबपोश कहता है कि मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें इसके बाद मेरे साथ चलना पड़ेगा, और मेरे साथ जाने के बाद तुम्हें रिकार्नेशन वाली ट्रायल को पूरा करना होगा। लड़की ये सुनने के बाद सोचने लगती है, और सोचते सोचते वो डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हाउ चेन को देख करके मान जाती है। उसके बाद वो मिस्टीरियस इंसान अपनी पावर का यूज़ करता है और हाउ चेन को हील करना शुरू कर देता है, और कहता है इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज़्यादा कम है, मुझे ऐसा लगता है इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में हाउ चेन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसे देखने के बाद वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद वो अपनी 1000 लेवल बर्निंग टेक्निक को यूज़ करता है, जिसके बाद हाउ चेन की सारी इंजरीज हील होने लगती है। इसके बाद इसके सर से होकर के एक पावर गुजरती है, और वो हवा में उड़ रहा था वो नीचे गिर जाता है, आराम से नीचे गिर करके वो लेट जाता है। और अब उसकी पूरी ही इंजरीज हील हो चुकी थी। उस आदमी ने 0 फर्नेस की पावर का यूज़ किया था, जो इसे 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी, और इसी की वजह से अब हाउ चेन की बॉडी बिल्कुल ही प्योर हो चुकी है। इसके बाद वो आदमी लड़की को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की जाने से पहले हाउ चेन के पास रुकती है और अपना एक मैजिकल रिंग उसके हाथ में पहना देती है। इसे देखने के बाद वो आदमी उसे रोकना चाहता है, लेकिन फिर लड़की उसे देखती है और उसकी बात नहीं मानती, और वो हाउ चेन को अपनी रिंग पहना कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो लड़की उसे देख करके इमोशनल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो आदमी उसे वहाँ से ले जाता है, और जाते जाते वो लड़की रो रही थी, उसके आंखों में आंसू थे, और अब वो आदमी उसे अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। लेकिन हाउ चेन अभी भी वहाँ पर बेहोश पड़ा था। और यहीं पर इसी मोमेंट पर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।